खरगोन जिले के कसरावत थाना प्रभारी संजय द्विवेदी द्वारा धर्म गुरुओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे व सोशल डिस्टेंसिंग और बीमारी के बचाव के तरीकों के संबंध में समझाइश दी गई। उनके माध्यम से आम लोगों के लिए अपील जारी करवाई गई कि ऐसा कोई भी धार्मिक, सामाजिक या पारंपरिक आयोजन ना करें जिसमें बाहरी व्यक्ति अथवा परिवार के 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हों। साथ ही प्रत्येक नागरिक अपने घर में रहें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। आज कसरावत की सभी मस्जिदों से अनाउंसमेंट के जरिए भी ऐसी अपील करवाई गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। होगा अपने लोगों को भी जागरूक करना होगा। इसका उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, लेकिन हमें जो सुरक्षा है, जो बचाव है, उसमें ही हमारी समझदारी छिपी, उसमें ही हमारा इलाज छिपा हुआ है। ठीक है, तो मस्जिद में तो खैर पिछली जुमा को भी आप लोगों ने यहाँ तो अच्छा पालन किया था। मैंने देखा भी था, हमारे लोगों ने भी बताया था, बहुत सारे आपके लोगों ने भी बताया था कि हमारा मौलाना इमाम, दूसरा वो जो अजान देते हैं क्या बोलते हैं, मज्जम हो गया, दूसरा तीसरा एक तो कमेटी का चला गया, 3 लोगों ने जाके नमाज अपने सभी जगह पढ़ी थी। आप लोगों ने ताले भी डाल दिए थे, तो इस बार भी जुमा पे वही करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मेन उद्देश्य आपका आज का बुलाने का ये है कि आप लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं अपने नाम से उसमें अपील जारी करिए, यही वाली, कि कोई भी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक आयोजन इस समय ना करें, क्योंकि उसमें बाहर के लोगों को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाहर के लोगों को हमें अपने घर में बुला के बाहर की बीमारी अपने घर से नहीं लाना है, है ना। उसके लिए ये तरीका है कि हम अपने घर में भी दूरी बनाए रहें, अपने परिवार के लोगों को किसी को बाहर ना निकल लेते हैं, विशेष तौर पर बच्चे 12-13 साल से कम के बच्चे और 55 साल से ऊपर के व्यक्ति, ये वृद्ध और बच्चों में ज़्यादा जल्दी संक्रमण फैला रहा है। घर के लोग भी अगर कोई मेडिकल रिलेटेड इमरजेंसी है तो ही बाहर जाए, बाकी चीज़ों के लिए बाहर ना निकले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।